मैं कुशीनगर से हूं और ये पेपर जो सेकंड शिफ्ट का 18 तारीख को जो सेकंड मीटिंग में पेपर थी 3 बजे से, उस पेपर का जो पीडीएफ था, पूरा पेपर का जो पीडीएफ था वो सवेरे 9 बजे ही सभी के टेलीग्राम ग्रुप में आ चुका था, जिसका पूरा साक्ष्य है आपके सामने। आपके स्क्रीन पे है किस तरह से पेपर लीक हुआ है, आप देख लीजिए। पूरा जो स्क्रीन पे है, जो जैसा पेपर था सेम हूबहू वैसा ही हाथ से लिखा हुआ ये पेपर 9 बजे सुबह टेलीग्राम ग्रुप में आ चुका था, और इस ये पेपर था शाम को 3 बजे, यानी कि जिस बच्चे के पास ये पेपर मिला होगा पूरा रट के और 150 में 150 टिक लगा के आया होगा। इसीलिए हम लोग सरकार से यही विनती करेंगे कि इस परीक्षा को दोबारा कराए, इसको निरस्त करें, चारों शिफ्ट को निरस्त करें, क्योंकि अगर एक शिफ्ट में अगर 10 लाख बच्चे, क्योंकि भर्ती 60,244 का ही है, अगर एक शिफ्ट में 12 लाख बच्चे बैठे हैं, उस 12 लाख में से अगर 5 लाख का भी अगर इसके पास पीडीएफ चला गया होगा तो 5 लाख 150 क्वेश्चन किए होंगे, तो क्या सरकार ये दावा कर सकती है कि 150 को भर्ती कराएगी ज्वाइनिंग? नहीं, ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है जो एजेंसी जिसने पेपर छापा है उसने भी बिल्कुल जो ये हैंड रेटिंग है, जैसा हूबहू पेपर में ऑप्शन आते हैं वैसे ही ये हाथ से लिखा हुआ ऑप्शन है, और ये हूबहू एकदम है, तो यानी कि बिल्कुल जो वहाँ के टाइपिस्ट हैं या फिर जहाँ पेपर छपी हुई है वही इसको वायरल किए हुए हैं।